चीन के पास 26,93,000 यानी कि 26,93,000 सैन्य कर्मचारी हैं, जबकि भारत के पास 34,62,500 यानी कि 34,62,500 सैन्य कर्मचारी हैं। भारत के पास 13,00,000 से अधिक सक्रिय सैनिक यानी कि एक्टिव ट्रूप्स हैं, जबकि चीन के पास 20,00,000 से अधिक सक्रिय सैनिक हैं। अगर हम बजट की बात करें तो भारत का रक्षा बजट 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि चीन का रक्षा बजट भारत से 4 गुना यानी 225 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत के पास 4,100 से अधिक टैंक्स हैं, वहीं चीनी सेना के पास 13,000 से अधिक टैंक हैं। भारत के पास 2,800 से अधिक बख्तरबंद लड़ने वाले वाहन यानी कि आर्म फाइटिंग व्हीकल्स हैं, जबकि चीन के पास इनकी संख्या 40,000 है। भारत के पास 266 यानी कि 266 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, वहीं चीनी सेना के पास भारत से लगभग 10 गुना यानी 2050 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। भारत में कुल नौसेना संपत्ति की संख्या 295 यानी कि 295 है, जबकि चीन के पास इनकी संख्या 714 यानी कि 714 है। भारत के पास 16 सबमरीन्स हैं, जबकि चाइना के पास इनकी संख्या 76 यानी 76 है। भारतीय सेना के पास कुल 2,082 यानी 2,082 हवाई जहाज हैं, जबकि चीनी सेना के पास 3,187 यानी कि 3,187 हवाई जहाज हैं। भारतीय सेना के पास 692 यानी 692 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि चीनी सेना के पास इनकी संख्या 1,003 यानी 1,003 है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस सूची को देखकर आप ये न समझें कि भारत के पास सेना संसाधनों की कमी है, बल्कि भारत के पास बहुत से सीक्रेट वेपन्स भी हैं जिन्हें सिक्योरिटी पर्पस के लिए साझा नहीं किया जाता।